नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉन्गर। तो दोस्तों, अंटार्कटिका के नीचे पहली बार मिले विचित्र जीव, तो वैज्ञानिकों को इनकी कोई जानकारी नहीं है। तो अंटार्कटिका के हिमखंडों के नीचे करीब 1 किलोमीटर की गहराई में विचित्र प्रकार की जीवों की खोज हुई है। तो ये जीव माइनस तापमान में भी बिल्कुल अंधेरे में रहते हैं। इनके बारे में इससे पहले इंसानों को कोई जानकारी नहीं थी। इन्हें खोजने के लिए साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में मौजूद जो है फ्लेचनर राने आइस सेल में 900 मीटर की ड्रिलिंग की, और इसके बाद जब उन्होंने इस छेद से कैमरा अंदर डाला तो वो अंदर का दोस्तों नजारा देख हैरान रह गए। इन जीवों की खोज के बारे में दोस्तों फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस नामक एक जर्नल रिपोर्ट में प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि अंटार्कटिका के दक्षिणी पूर्वी दोस्तों वेडल सागर में मौजूद फ्लेचनर राने आइस सेल के नीचे एक ये जीव मिले हैं। तो ये आइस सेल खुले समुद्र में 260 किलोमीटर दूर है। इस आइस सेल की मोटाई करीब 900 मीटर है। इससे पहले इस तरह के जीवों की खोज कभी नहीं हुई है। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जीव समुद्री बर्फीले पत्थरों पर चिपके रहते हैं। फिलहाल ये नहीं पता चला है कि ये किस तरह के जीव है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये स्पॉन्ज है या फिर ऐसे कोई जीव जिनके बारे में दोस्तों किसी को जानकारी नहीं है, ना ही ये दुनिया के किसी दोस्तों किताब में बताए गए हैं। तो ये जीव दोस्तों फ्लेचनर राने आइस सेल पर घनघोर अंधेरे में रहते हैं। यहाँ तक कि तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस है, और इस तरह की परिस्थितियों में रहने वाले जीव अभी तक नहीं खोजे गए थे। तो ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे के बायो दोस्तों जियोग्राफर और इन जीवों को खोजने वाले प्रमुख खोजकर्ता डॉक्टर हाव क्रिफिस कहते हैं कि ऐसे जीव पहले कभी नहीं देखे गए हैं। ये सर्द अंधेरी और बर्फ से जमी हुई दुनिया में जीने के हिसाब से खुद को बदल चुके हैं, और इनमें स्थिति में दोस्तों इस स्थिति में रहने की भी क्षमता है। तो डॉक्टर क्रिफिस कहते हैं कि इन्हें खोजने के बाद हमारे मन में कई तरह के सवाल आए हैं। ये जीव खाते क्या है, और यहाँ तक कि कैसे पहुंचे, और ये जीव कितने समय से इस बर्फीली दुनिया में है। तो क्या है ये नई प्रजाति जीव है, या फिर जो हम बाहर की बर्फीली दुनिया के ऊपर देखते हैं वही है। तो डॉक्टर ग्रिफिथ कहते हैं कि दक्षिणी सागरों में तैरने वाले समुद्री हिमखंडों के नीचे दुनिया अब भी ज्यादा खोजी नहीं है। तो ऐसे में हिमखंड अंटार्कटिका महाद्वीप का 15 लाख वर्ग किलोमीटर इलाका घेरते हैं, लेकिन अभी तक इंसानों ने सिर्फ दोस्तों टेनिस कोर्ट के क्षेत्रफल जितने इलाके में ही खोजबीन की है। तो अभी तक इस तरह की विषम परिस्थितियों में रहने वाले जो जीव मिले हैं उनमें छोटे शिकारी कीड़े, मछलियां, जेलीफिश या क्रिल शामिल है, लेकिन पहली बार कोई फिल्टर फिटिंग जीव मिला है, यानी जो पानी में रहने वाले बेहद छोटे जीवों को खाकर जिंदा रहता है। तो ये अपने शरीर से दोस्तों पानी को फिल्टर करके जीवों को खाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें रोजाना रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए, और वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर भी करें।